हेलो दोस्तों, तो क्या हाल हैं आपके? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है चिड़ियाघर के ऊपर, जो कि है जयपुर का चिड़ियाघर। तो चलिए टिकट वगैरह लेते हैं, फिर प्राइस वगैरह आपके साथ हम शेयर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी फाइनली हमने एंट्री कर ली है चिड़ियाघर के अंदर। तो आप गैस करेंगे टिकट कितने की होगी? आज से पहले मैंने इतने रुपये की टिकट कभी भी नहीं ली है चिड़ियाघर की या कहीं की भी, इतने रुपये की टिकट नहीं ली है। टिकट का प्राइस है 22 रुपीज़, 22 रुपये। 22 रुपये कहाँ का प्राइस होता है यार। सो चलिए 22 रुपये बढ़िया है। तो चलिए अब हम घूमना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं जयपुर का चिड़ियाघर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी तो यहाँ पर कुछ है नहीं, अभी जस्ट हमने एंट्री की है। एक हिरन दिख रहा है, चलिए वो आपको दिखाते हैं हम चल करके जल्दी से। फ्रेंड्स, ये है चिड़ियाघर जिनको लोगों ने घेर रखा है। हिरन वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम फिर भी आपको दिखाते हैं। ये वहाँ पर बैठे हुए काफ़ी सारे। इसे देखिए आप, वो नहीं दिखाई दे रहा, वो बदतमीज हो रहे हैं सारे। चलिए थोड़ा बढ़ते हैं अभी हम आगे जल्दी से। फ्रेंड्स, हिरन्स तो हमने आपको दिखा दिए, बट जो दो चार बाहर बैठे हुए थे, दूर बैठे हुए थे, वो थोड़ा जाली की वजह से कैप्चर नहीं कर पा रहा था, बैकग्राउंड हटा दे रहा था। सो चलिए आगे आपको कुछ खास चीज़ें दिखाते हैं। देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, ये अपना चारा वगैरह चर रहे हैं बढ़िया से, मस्ती भी कर रहे हैं इधर ये। चलिए हम इन्हें मस्ती करने देते हैं, बिना डिस्टर्ब करे हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मगरमच्छ भी है, मगरमच्छ की फैमिली है। एक बड़ा मगरमच्छ है, एक छोटा सा बच्चा है, बाकी बैठे आराम से सो रहे हैं। बाकी काफ़ी दूर हैं इनसे, हम काफ़ी यहाँ दूर कर भी रखा है। और कुछ पक्षी वगैरह भी यहाँ पर हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे पक्षी यहाँ पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम। फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग, इन्हें क्या कहते हैं, ये कुछ मगरमच्छ जैसे दिख रहे हैं, बट ये मगरमच्छ है नहीं। आप लोग देखिए और बताइएगा। हाँ जी, तो इन्हें कहते हैं घड़ियाल, ये उनके हैं बच्चे। काफ़ी बढ़िया आराम से आराम कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए शुतुरमुर्ग, मुंह फाड़ रहा है, ये काफ़ी बड़ा है। इसके सामने ये देखिए कौवे कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। चलिए फ्रेंड्स और थोड़ा आगे आपको लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं वो भी। ये कुछ पक्षी वगैरह हैं, बत्तख लग रही है शायद देखने में, कुछ अलग वैरायटी की है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी शिमला वाली वीडियो देखी होगी जो कि ज़ू की थी, बट वहाँ का ज़ू में यहाँ के ज़ू में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जानवर थे भी नहीं, बाकी काफ़ी कम जानवर थे, बट यहाँ पर तो ठीक ठाक जानवर हैं और अच्छे जानवर भी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है, थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, बट मज़ा फिर भी आ रहा है। उड़ पाता है नहीं उड़ पाता है, मुश्किल है ये उड़ पाए, क्योंकि इसका वेट है काफ़ी ज़्यादा, ताकत लग नहीं रही इसके अंदर इतनी होगी कि ये उड़ा सके अपने आप को। बाकी गर्दन इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, चारों तरफ खुजा सकता है ये अपने, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक ये दूर बैठे हुए हैं। बाकी ये चिड़ियाघर मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, शिमला से जो कुफरी में था उससे काफ़ी बेटर है ये। वहाँ तो पूरा मूड ख़राब हो गया था, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आपको यहाँ पर ये शेर की गुफा वगैरह दिखाई देंगे, शेर वगैरह में नहीं दिखाई देने वाले। यहाँ पे जो जाना ख़तरनाक जो जानवर थे उन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, इससे यहाँ पर सॉफ्ट जानवर ही आपको मिलेंगे, ज़्यादा ख़तरनाक जानवर नहीं मिलेंगे। ये सूखा पड़ा हुआ है एकदम, यहाँ कोई भी ख़तरनाक जानवर नहीं मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, कुछ पक्षी वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। वो देखिए शुतुरमुर्ग, अगर आपको दिख रहा हो तो, हाइट में काफ़ी बड़ा होता है शुतुरमुर्ग। आई थिंक मैंने तो शायद लाइफ में पहली बार देखा है शुतुरमुर्ग। काफ़ी चिड़ियाघर विजिट कर चुका हूँ, बट शुतुरमुर्ग मुझे देखने के लिए यहीं पर ही मिले हैं। यहाँ पर ये कुछ पक्षी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुतुरमुर्ग ये तो कभी नहीं उड़ पाता, बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता ये। नहीं उड़ता है ना, ये भाग सकते हैं बस केवल। ये सिर्फ भाग सकते हैं, आदमी से भी ज़्यादा तेज भाग सकते हैं ये। फ्रेंड्स,
सबसे यहाँ की एक थोड़ी सी खास बात और है, यहाँ पर जो चीज़ें ओरिजिनल नहीं है उसके डमी भी रखे हुए हैं। यहाँ पे एक संग्रहालय बनाया हुआ है, यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आपको दिखाता हूँ, आप देखिए डिटेल में। ये डमी बना रखे हैं 3D में, काफ़ी बढ़िया से लग रहे हैं। इस साइड में ये बाघ वगैरह चीते वगैरह का बना रखे हैं, इस साइड टाइगर वगैरह हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या है। आगे सिर्फ ये हैं, थोड़े से जंगली जानवर सारे ही हैं यहाँ पर, तो थोड़े से क्या हैं, काफ़ी सारे जानवर हैं यहाँ पर, जो कि देखने में काफ़ी हद तक तो ये रियल लग रहा है देखने में। ये देखिए काफ़ी हद तक रियल लग रहे हैं, बाकी बढ़िया है। चलिए थोड़ा सा चलते हैं अब हम बाहर अपनी जंगल सफारी की तरफ। भाई साहब ये कौन से पक्षी हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक पैर पर खड़े होकर गए और दोनों ही एक पैर पर खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक खड़ा हुआ है, दोनों ही खड़े हुए हैं। ये देखिए दोस्तों एक्सरसाइज कर रहा है एक पैर पे खड़े होकर के। अब पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, अपने सर को अपनी पीठ पे रख रखा है, बाकी बढ़िया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बर्ड्स भी काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, बाकी और चिड़ियाघर से मुझे काफ़ी बेटर लगा, काफ़ी ठीक ठीक है यहाँ का हिसाब किताब। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी हम, बाकी शाम होने वाली है, चिड़ियाघर ये बंद भी होने वाला है, टाइम होने वाला है 5:15 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाती है। एंट्री तो 5 बजे ही बंद हो जाएगी, बट 5:15 बजे के बाद सबको बाहर जाना पड़ेगा। 20 मिनट हैं जब तक हम जल्दी जल्दी आपके लिए सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आप लोग, हाय, काफ़ी क्यूट सा लग रहा है लेकिन डरावना भी लग रहा है। बाहर से तो इसे देख सकते हैं लेकिन पास जाके इसको देख नहीं सकते हम। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स इनके कुछ एक्स वगैरह भी यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 6 एक्स थे, उनमें से एक फूट चुका है, बाकी 5 अभी साबित हैं। अब पता नहीं उसमें से बच्चा निकला था कि नहीं निकला था। बाकी इन लोगों ने अपने अंडों को सही से घेर रखा है, अब ये नहीं पता कौन सा अंडा किसका है। चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने फाइनली पूरा का पूरा चिड़ियाघर आपको दिखा दिया है, जितने भी जानवर थे सारे के सारे आपसे दिखा दिए हैं वीडियो में। सो चलिए दोस्तों अब हम सोच रहे हैं कि अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि अब थक बहुत ज़्यादा चुके हैं, पैर टूट रहे हैं एकदम, कैसे इनका इलाज करें, कुछ ना कुछ पैरों में लगाते हैं और फिर आराम करते हैं। चलिए दोस्तों बाहर चल के अब आपसे हम मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हैं वो 2 चिड़ियाघर हैं, एक तो जो अभी हम आपको दिखा रहे थे वो है, एक दूसरा है उसके सामने, बट मतलब वो एक ही है, बट जो कुछ खतरनाक जानवर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, वो मैं आपको लोकेशन बता दूंगा ताकि अगर आप आते हैं तो मिस ना करें। सो चलिए पहले मैं आपको ये घुमाता हूँ, लास्ट में मैं आपको लोकेशन बताऊंगा, ठीक है। सो फ्रेंड ये रहा, ये चिड़ियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पर, काफ़ी क्यूट सी लग रही हैं अगर आप देख पा रहे हो तो, बट ये घर में पालते थे मर जाती हैं, बेकार में हत्या लग जाती है अपने आप को, इसलिए मैं तो घर में पालता नहीं। मेरा दोस्तों एक पक्षी यहाँ बैठा हुआ है, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं आगे क्या है। एक ये बैठे हुए हैं भाई साहब गर्दन झुका के, मुर्गा है पता नहीं क्या, लग तो मुर्गा जैसा है लेकिन पूंछ लंबी है गर्दन छोटी है। बाकी चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम। भाई साहब यहाँ हो रहा है दंगल अभी तोतों के बीच में, ये पोपट एक दूसरे का पोपट बनाने में लगे हुए हैं बस, और कुछ नहीं, शोर कर दिया इन लोगों ने यहाँ पर। धूप अपोजिट साइड से आ रहा है इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी में 19 फर्क आपको दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा आप उसे साइड रखें और आप वीडियो को एंजॉय करें। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे हम थोड़ा सा। ये भाई साहब हमें वहीं मिले हुए थे, बट अभी यहाँ बड़ी सराफत से बैठे हुए हैं और अंडे इन्होंने पता नहीं क्या भुजिया बनाने के लिए रख रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए अंडे, यहाँ तो काउंट भी नहीं कर सकता मैं कितने अंडे रखे हुए हैं। बाकी इनसे मिलिए एक बार आप। हाँ भाई क्या दिक्कत है, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अभी हम आगे थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों वही कार्टून पक्षी दोबारा थे, ये एक टांग अपने ऊपर रखता है पानी पी रहे हैं, बट एक टांग ऊपर है साथ में। यहाँ पर एक छोटा सा कछुआ भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए वो भी हम मस्ती मार रहे हैं इनके साथ में। चलिए
तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब तो फ्रेंड्स जो खतरनाक जानवर यहाँ से भी शिफ्ट कर दिए गए हैं, यहाँ पर भी नॉर्मल से जानवर बचे हुए हैं, बट आते तो सामने ही हैं, दूसरे वाले चिड़ियाघर के सामने ही है, जो बड़ा वाला चिड़ियाघर है उसके जस्ट सामने ही है। दो मिनट चलोगे आप आ जाओगे। अगर आते हो तो आपको टिकट भी वही रहेगी, टिकट आपको अलग से नहीं लेनी, वही टिकट आपकी यहाँ पर भी चलेगी। तो आओ यार, क्या दिक्कत है जब घूमने आ रहे हो तो। चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको यहाँ आना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं। सो फ्रेंड्स यही है वो चिड़ियाघर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेकंड वाला है, हम सेकंड वाले के सामने ही खड़े हुए हैं। ये आप मेरे पीछे काला गेट लाल बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, यही है। और बाकी मैं आपको एक बार राइट एंगल से दिखा देता हूँ, बैक साइड से आप वो देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पर है। चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म और अब हम चलते हैं होटल रूम में। बाकी अभी तो टाइम तो काफ़ी है घूमने के लिए, बट अब हिम्मत नहीं बची बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर।